को पता होगा कि आजकल फुल डे चल रही है और बच्चे बहुत खुश हो रखे, क्योंकि सभी बच्चे सभी लोगों के घर घरों में फूल डालते हैं। कल ही बांटने, कल मैं मायके से लेके आई थी इसे, तो जब शादी के बाद आते हैं ना तो बांटना पड़ता है गांव गांव में। हाँ जी हाँ जी, आ तुम जा बोलिया पहना घर से। रात को मतलब सुअर आते हैं हमारे गांव में, और देखो इस सुअर ने खेतों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई मेरी, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और अभी मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है अंदर का, अभी बाहर का झाड़ू रह गया लगाने को। और आजकल मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ससुराल में टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है घर पे, क्योंकि शादी में बहुत गंदगी मची थी, सफाई करने के लिए थी बहुत ज्यादा। और कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है घर पे मिलने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाते है। यही हूँ मैं घर की सफाई, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ मैं, अंदर का मैंने लगा दिया है, बस पार करके अभी पोछा लगाऊंगी। अभी मेरे घर की सफाई भी हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह, और नाश्ता नहीं किया हमने अभी, मैंने नहीं किया अभी नाश्ता। सासू जी के चले गए घास के लिए, सासू जी ने तो कर दिया नाश्ता, और मेरे पति ने भी कर दिया है, वो भी काम से चले गए कहीं, दुकान में जा रखे, कुछ काम है उनका, ऑनलाइन करवाना है कुछ। और सासू जी घास के लिए गई है, मैं घर पर अकेली हूँ अभी। अभी मैं जाऊँगी ऊपर वाले घर पर, वहाँ का काम निपटाऊँगी, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। अभी मेरे कपड़े वगैरह भी धुलने के लिए हैं, तो अब चलती हूँ मैं ऊपर वाले घर पे। अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वाले घर पे, थोड़ा सा दादी ने बताया था कुछ काम, वहाँ पे वो काम करती हूँ, उसके बाद आऊँगी नीचे, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। दादी ने दो ड्रम है ना वहाँ पे, उनको धुलती हूँ थोड़ा सा, फिर सुखाने के लिए रखूंगी, फिर उन्हें संभाल देंगे, शादी में निकाले थे ना बाहर। कितने सुंदर फूल खिले हैं आजकल, आप लोगों को पता होगा कि आजकल फूल डे चल रही है, और बच्चे बहुत खुश हो रखे, क्योंकि सभी बच्चे सभी लोगों के घर घरों में फूल डालते हैं, और इस त्योहार के लोग बहुत खुश होते हैं, साल भर वेट करते हैं वो, क्योंकि फुलियारी का इंतजार सभी लोग करते, हम भी करते, पहले हम भी बहुत खुश होते थे इस पल के लिए कि हम फूल डालेंगे, फिर अगर पैसे मिलेंगे, ऐसे सभी बच्चे खुश होते हैं। और ये वाला त्यौहार काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और जिस दिन लास्ट होता है ये, उस दिन कई तरह के पकवान पकाए जाते हैं और बच्चों को खिलाया जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। और यह फूल फुलारी का त्यौहार एक महीने तक चलता है। पहाड़ों में कई तरह के फूल होते हैं अभी, जैसे कि फ्योली हो गई, और ये क्या है, ये आरू के हैं, और बांस के फूल होते हैं, गुलाब के, गेंदा के, सभी चीज़ के फूल होते हैं, और जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और उसके बाद चैत का महीना ख़त्म हो जाता है, विखो तो आ जाते हैं, बैसाखी का महीना बन जाता है, उसके बाद मेले शुरू हो जाते हैं, जिसमें बच्चे मेले घूमने जाते हैं रोज़ रोज़, मतलब कई मेले होते हैं अलग अलग गांव में, धनसाली का भी होता है, जागदार का भी होता है, यहाँ पोखाल का भी होता है ना, पोखाल मगरों हर मेले में जाते हैं बच्चे, फिर मज़े से जो फूल डालने के पैसे होते हैं उन्हें खर्च करने जाते हैं। फिर आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी सुंदर नज़ारा आ रहा है बाहर का, और ये फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं खिले हुए। गांव में कल ही बांटने, कल मैं मायके से लेके आई थी इसे, तो जब शादी के बाद आते हैं ना तो बांटना पड़ता है गांव गांव में, क्या बोलते हैं अरसे, कहाँ है इसमें, ये रहे अरसे प्यारे से लड्डू। तो गांव का रीति रिवाज है कि पैना बांटना पड़ता है गांव गांव में, तो अगर आप लोगों को खाने अरसे तो आ जाओ प्लीज़, और पहाड़ी अरसों का आनंद ले। पैने देने के लिए आ रखे हैं, और वो घर पर नहीं है अभी, उन्होंने बुला दिया है, आ रहे हैं वो।
ख्याल फोड़ के चल गई पाना पहुंच गई। हां जी कब रे आया प्यार जा जा। वो एक मोहल्ले में हटा के आ गए हैं, अब जा रहे हैं हम दूसरे मोहल्ले में। तो आगे हम पैना बांट के घर पे, और कुछ बच भी गया है इसे कहीं और भी गया। तुम खाओगे? खा लो। अभी देखो और दादी देखो ऊपर काम कर रही है, शायद से पता नहीं क्या कर रही है, पता ही नहीं है। काम तो मैंने निपटा के आ रही हूँ। आजकल काफी तेज धूप होने लगी है और पहाड़ों में भी गर्मी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। खाना पीना भी हो गया है और अभी बाहर पे सभी लोग बैठ रखे हैं। ससुर जी भी आ गए गाड़ी से और बाहर पे बैठ रखे हैं देवर जी लोग, दादी जी, ससुर जी लोग सभी बैठे हुए हैं और अब हम भी जाएंगे बैठने के लिए। आजकल पहाड़ों में कई जंगली जानवर हो गए हैं, मतलब बहुत सारे हो गए। रात को मतलब सुअर आते हैं हमारे गाँव में, और देखो इस सुअर ने खेतों को कितना नुकसान पहुँचा दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने आलू वगैरह लगा रखे थे, उन्होंने सारे खुदाई करके निकाल दिए, आलू खराब कर दिए, खेतों को नष्ट कर रहे हैं। और मतलब बहुत ज्यादा भय हो गया हमें जंगली जानवरों का। और जब से मतलब गांव में सुअर हुए हैं तब से खेतों में कुछ भी फसलें बोए या कुछ करें, मतलब कुछ सही से नहीं हो रहा है, फसलें सारी खराब हो रही है क्योंकि सुअर कुछ होने ही नहीं दे रहे। तब तक वो जब तक उग रहे हैं फसलें तब तक वो खा जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है और अभी हम सभी लोग बैठ रखे चूल्हे के सहारे पे सेकने के लिए, और चूल्हे पे आगे नहीं जाएंगे। और ये हमारी रोटी की टोकरी, और ससुर जी और सासू जी भी बैठ रखे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सोने की तैयारी भी हो गई है और आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सभी लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवी उत्तराखंड।